गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये है होम साइंस का पार्ट टू। पार्ट वन में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज पार्ट टू मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो आज मैं बहुत सुबह सुबह वीडियो लेकर आ गई हूँ। बहुत सुबह तो नहीं कह सकते लेकिन मेरे लिए बहुत सुबह, मैं जल्दी उठी हूँ। सो आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर एक, गजायत इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अभी से देखो आप लोग इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं और साइड में आप लोग देखो यहाँ पे उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी थर्डली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्राइमरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंदरजा झील में से कौन सा कुदरती फाइबर है, यानी कि इसमें जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा कुदरती फाइबर है। सो ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी मादनियात, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जानवर। फिर नेक्स्ट है, खुराक की गजाइत बढ़ाने का तरीका है। सो ऑप्शन सी मंदरजा झील खानों का मजमुआ। फिर नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे आसान शक्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी नहीं। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीन मंदरजा झील मादा में से किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन मंदरजा झील यानी कि जो नीच में ऑप्शन दिए हुए उसमें से दाल में पाया जाता है, शक्कर में नहीं पाया जाता, घी में नहीं पाया जाता, तेल में नहीं पाया जाता, दाल में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखो चिकनाई मंदरजा झील में से किस चीज़ में पाई जाती है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मंदरजा झील लिख रहा है यानी कि नीचे दिया हुआ जो चीज़ है ना उसमें से। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए है मक्खन, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है दाल। सो मक्खन में ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, विटामिन ए मंदरजा झील में से किस चीज़ में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दूध। ठीक है, दूध में पाया जाता है। फिर चलिए दूसरे सवाल की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो, एक शख्स के पानी की ज़रूरत मनहसर करती है, यानी कि इनमें सभी जितने भी ऑप्शन हैं, मौसम पर, खाना पान, खान पान की आदत, फेल पर, और इन मतलब ये तीनों है ना, तीनों में सभी है। ठीक है, तीनों है। चलो फिर नेक्स्ट है, पानी की निकासी नहीं होता, यानी कि जो आप लोग नीचे ऑप्शंस देख रहे हो, ऑप्शन ए गर्दा से, गलत, फेफड़े से ये भी गलत, पेट से ये भी गलत, स्किन से, इट्स राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फिर दूसरे सवाल की तरफ लेकर चलती हूँ। मंदरजा झील में पानी का ज़रिया नहीं है, तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सा पानी का ज़रिया नहीं है। तो मिठाइयाँ, ठीक है, खाना पानी का ज़रिया है, खाना पीना, फिर पीने का पानी ये भी है, फिर पीने की अशिया ये सब है। ठीक है, बस मिठाइयाँ जो है वो है पानी का ज़रिया नहीं है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पानी का अखराज किसके ज़रिया नहीं होता है। सो ऑप्शन डी जिस्म का ममनुआ अशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आदमी के पानी की ज़रूरत मनहसर करती है। तो आदमी की पानी की ज़रूरत मनहसर करती है इनमें सभी, जितने भी आप लोग देख सकते हो, अमल पर, खाने की किस्म पर, आब व हवा पर, तो ये तीनों होगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, मंदरजा झील में कौन सही नहीं है। सो ऑप्शन डी पानी का इस्तेमाल खाने से होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, और जितने ऑप्शन हैं वो सब इसमें सही मिलते हैं। ठीक है, चलो, जिस्म के नशूज की बुनियाद है, ऑप्शन डी पानी। फिर नेक्स्ट है, खुराक मंसूबा में कौन सी मुद्दत शामिल नहीं है। सो ऑप्शन सी बुढ़ापा। फिर खून में पानी कितना फ़ीसद होता है, ये जो सवाल है 2010 में भी आ चुका है आप लोग के क्वेश्चन पेपर में, तो हो सके तो आप लोग के इस ईयर 2023 में भी आ जाए। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करना, इस पर ध्यान से दो तीन बार पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान दे देना इस पर, दो तीन बार एक बार रिपीट कर लेना। ओके, चलो, इसका जो आंसर है 90%, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 90%। फिर है, जिसमें वज़न का कितना फ़ीसद हिस्सा पानी होता है। सो ऑप्शन सी 65%। ठीक है, 65%।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को साफ़ करने के लिए मंदरजा में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीने का पानी साफ़ करने के लिए जो नीचे दिया हुआ, इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नमक का नहीं होता, ग्लूकोज का भी नहीं होता, सोडियम का भी नहीं होता, क्लोरीन का होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदा पानी पीने से मंदरजा में से कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो इनमें सभी, ठीक है, जितने भी दिए हुए हैज़ा, इत्स्यार, डायरिया, ये तीनों होते हैं, ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने फ़ीसद पानी की कमी से बच्चे की मौत हो जाती है? सो 20, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में पानी हासिल करने का ज़रिया है कुआं? नहीं, फिर यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वाटर वर्कर्स। फिर नेक्स्ट है, साफ़ पानी होता है, साफ पानी क्या होता है? बेरंग, बो के बगैर यानी कि जो महकता है उसके बगैर। फिर यहाँ पे आप लोग देखो, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सारे सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत सफाई मुहिम किस वजारत के ज़रिया शुरू किया गया? सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, पीने के पानी व सफाई वजारत। ठीक है, ये था कुछ आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना आप लोग कर लो। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे से आप लोग ट्राई कर लो। पार्ट 3 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से ट्राई करते रहें।